गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 46, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग जीके जो है जीके बुक आपका उसका जो चैप्टर 47 जो दिया हुआ है आपका सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ टेक आउट योर जीके बुक एंड सी चैप्टर 47 पेज नंबर 51. ओपन योर पेज नंबर 51. Scene number 1. William Shakespeare is regarded as the greatest dramatist of English literature. William Shakespeare is regarded as the greatest dramatist of English literature. यानी जो विलियम शेक्सपियर हैं, उन्हें अंग्रेजी साहित्य का सबसे बड़ा नाटककार माना जाता है. अंग्रेजी साहित्य का सबसे बड़ा नाटककार किसको माना जाता है? ड्रामेटिस्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है नाटककार. तो ये जो विलियम शेक्सपियर है, उन्हें अंग्रेजी साहित्य का सबसे बड़ा क्या माना जाता है? नाटककार माना जाता है. इज दैट क्लियर? नाउ सी नंबर 2. रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट एशियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट एशियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसे आप लोग जानते हैं, उनकी बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारे उनका कहानियां हैं. तो ये जो थे, ये पहला एशियन थे. एशियन क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम लोगों का जो भारत एशिया महादेश में है, तो ये पहला एशियन थे जिन्हें क्या मिला था, जिन्हें साहित्य में, लिटरेचर का हिंदी अर्थ होता है साहित्य में, यानी इनको साहित्य में नोबेल प्राइज मिला था. तो नोबेल प्राइज साहित्य में सबसे पहले किसको मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था. सी नंबर 3. मोगली, अ फेमस फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएटेड बाय रूडयार्ड किपलिंग वाज रेस्ड बाय अ पैक ऑफ वॉल्व्स इन द जंगल. मोगली, जिसे आप लोगों ने जंगल बुक जो मूवी है उसमें आप लोगों ने देखा होगा, उसमें मोगली रहता है. उसका क्या रहता है, छोटा सा बच्चा रहता है जो मोगली के कैरेक्टर में रहता है. तो जो मोगली जो कैरेक्टर है जंगल बुक, आप लोगों ने देखा होगा मूवी, तो मोगली जो कैरेक्टर है उसे किसने क्रिएट किया था? तो मोगली जो कैरेक्टर है, तो उसका जो एक जो मूवी है द जंगल बुक, वो एक काल्पनिक है, वो रियल नहीं है, उसे कल्पना किया गया है. तो जो रूडयार्ड किपलिंग है, उन्होंने ये तैयार किया था जो भेड़ियों के ऊपर ही आधारित है. जंगल में जो भेड़िया रहते हैं उनके ऊपर आधारित है. तो ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? जो रूडयार्ड किपलिंग है उनके द्वारा यह तैयार किया गया था, जिसमें मोगली, जिसका जो मोगली रहता है उसमें छोटे बच्चा जो मोगली का कैरेक्टर करता है, प्ले करता है. ठीक है, तो ये जो मूवी था क्या था? काल्पनिक था. फिक्शनल मीन्स क्या होता है? काल्पनिक. नंबर 4. झूमर इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ झारखंड. झूमर इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ झारखंड. झूमर जो है वह लोक नृत्य है. फोक डांस का अर्थ होता है लोक नृत्य. तो झूमर जो लोक नृत्य, कहाँ का जाना माना डांस है? झारखंड का. तो झारखंड का जो फोक डांस है वो क्या है? झूमर है. इट इज परफॉर्म एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट सीजन. द डांसर्स वियर कलरफुल कॉस्ट्यूम्स. इट इज परफॉर्म एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट सीजन. The dancers wear colorful costume. तो ये जो झूमर डांस होता है, कब परफॉर्म किया जाता है? जब फसलों का सीजन होता है तब यह डांस को परफॉर्म किया जाता है. और जो डांसर होते हैं वे कलरफुल रंग बिरंगे क्या पहनते हैं? वस्त्र पहनते हैं, कॉस्ट्यूम पहनते हैं. इज दैट क्लियर? सी नंबर 5. द फेमस एनिमल फेयर एट सोनपुर इन बिहार इज एशियाज बिगेस्ट फेयर. आप लोगों ने सोनपुर का जो मेला लगता है उसके बारे में सुना ही होगा. यह बहुत ही जाना माना क्या है? जाना माना यह मेला है जहाँ पे पशुओं का मेला लगता है. यहाँ पे आपको घोड़े, हाथी, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो सोनपुर में मेला लगता है, जो बहुत ही क्या होता है, बहुत ही फेमस है. इट टेक्स प्लेस एवरी ईयर एंड कंटिन्यूज फॉर अ पीरियड फॉर 15 डेज. यह मेला सोनपुर में कितने दिनों तक लगता है? 15 दिनों तक. कितने दिनों तक का होता है? 15 दिनों का होता है. और यहाँ किसका मेला लगता है? पशुओं का,
जो एनिमल्स होते हैं उनका यहाँ पे मेला लगता है. इज इट क्लियर? नाउ नंबर सिक्स, शाओ डांस इज वन ऑफ द मोस्ट रिनोडेड ट्राइबल मार्शल डांसेस ऑफ एशियन इंडिया. जो छऊ नृत्य है वो पूर्वी भारत का सबसे प्रसिद्ध आदिवासी मार्शल नृत्य में से एक है. ये कहाँ का डांस है? जो आदिवासी है, जो आदिवासी नृत्य करते हैं ईश्वर, यानी ये पूर्वी भारत का है. ये जो डांस है कहाँ का है? ये पूर्वी भारत का है. जो आदिवासियों द्वारा क्या होता है, इसे परफॉर्म किया जाता है. इज इट क्लियर? तो आप लोगों ने क्या देखा? नंबर वन में आप लोगों ने देखा जो विलियम शेक्सपियर है उन्हें अंग्रेजी साहित्य का सबसे बड़ा नाटककार माना जाता है. तो नंबर वन में क्या है, जो विलियम शेक्सपियर है उन्हें इंग्लिश साहित्य के, यानी जो अंग्रेजी साहित्य के, इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बड़ा नाटककार माना जाता है. नंबर टू, रविंद्र टैगोर जो सबसे पहले ऐसे थे जिन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था. क्या चीज में? साहित्य में. उन्हें साहित्य में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था. नंबर थ्री में आप लोगों ने देखा जो मोगली रुडियार्ड की काल्पनिक, क्या है काल्पनिक, ये जो मूवी थी उनके द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें जो पात्र रहता है, कैरेक्टर रहता है, कौन रहता है? मोगली रहता है. जो किसके ऊपर आधारित है? जो जंगल में रहने वाले भेड़ियों के ऊपर में यह आधारित है. इज इट क्लियर? नंबर फोर, झूमर इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ झारखंड. झूमर जो है वह लोक नृत्य है कहाँ का? झारखंड का है. जो कब परफॉर्म किया जाता है? जब फसलों का सीजन होता है तब इसे परफॉर्म किया जाता है. और जो लोग इसमें डांस करते हैं, जो डांसर्स होते हैं, वे रंग बिरंगे कपड़े पहन के क्या करते हैं? ये झूमर डांस करते हैं. नंबर फाइव में आप लोगों ने क्या देखा कि जो फेमस एनिमल फेयर, यानी जो सबसे प्रसिद्ध जानवरों का मेला है, वो कहाँ लगता है? वो बिहार के सोनपुर में लगता है, जो बहुत ही फेमस होता है. और ये मेला कितने दिनों तक का होता है? 15 दिनों तक का होता है. ठीक है, यहाँ पे पशुओं के क्या होते हैं? मेला लगता है. नंबर सिक्स में आप लोगों ने क्या देखा? जो छऊ नृत्य पूर्वी भारत के सबसे प्रसिद्ध आदिवासी मार्शल नृत्यों में से एक या डांस है. ठीक है, ये डांस कहाँ का है? ईस्टर्न इंडिया यानी पूर्वी भारत का. इज इट क्लियर? तो इस चैप्टर को आप लोग को केयरफुली रीड करना है. और कोई भी डाउट हो, आपको कोई वर्ड मीनिंग या कुछ भी डाउट हो, तो आप लोग को क्लास में क्या करना है? क्लियर करना है. इज इट क्लियर?